हेलो एवरीवन, दिस इज अजित। वेलकम बैक टू साफ लर्नर। श्रेणी दशम पिले समस्ते किपरि अछ? आशा करछि समस्ते बहुत भलर थिबो। तो पिला माने आज रे एही क्लास रे तुम भौतिक विज्ञान बही रो जो षष्ठ अध्याय अछि जार नाम होछि आलोक प्रतिफलन ओ प्रतिसरण। प्रीवियस पार्ट रे आमे एहार किछि पार्ट को आमे आलोचना करथले जोथरे आलोकर प्रतिफलन रो नियम विषय आलोचना करथले जोथरे आम कही आपतन कोण प्रतिफलन कोण समान एवं द्वितीय थिला आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि और आपतन बिंदुरे जो अविलंब सृष्टि होछि समस्त गोटे समतल रे रुहंती। तापर आम आलोचना करथिले जे समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब गठित होछि तार धर्म कोण। यापर आम देखिथिले आमर जो वर्तुलाकार जो दर्पण अछि से वर्तुलाकार दर्पण केते प्रकार प्रथम थिला अवतल दर्पण और थिला उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण आम क्या कहते ना जो दर्पण प्रतिफलन पोषा भितर आड़ को वक्र होता आम अवतल कह जो वर्तुलाकार दर्पण प्रतिफलन पोषा बाहर आड़ को वक्र होता उत्तल कहते नहीं कि यापर आम आहरी से जो वर्तुलाकार दर्पण जो वर्तुलाकार दर्पण पर बहुत गुड़े शब्द व बहुत गुड़े टर्म थी डिस्कस करते कौन कौन से टर्म थी ना गोटे थी पोल जहाँ मेरुबल कहींपर आए वक्रता केन्द्र वक्रता व्यासात प्रमुख अक्ष नहीं कि तापरे फोकस फोकस दूरता तापरे द्वारक ये सब विषय आम आलोचना करते तथा तो मुझे सर्टकट टे आउ थे रिमाइंड करदे देख सीटा कौन थी जस्ट सेकेंड देख देख पिले मनकर सपोज मु उत्तल दर्पण कथा जदि मु चिंता करी उत्तल दर्पण ए सरी अवतल दर्पण कथा जदि मु चिंता करी देख एटा हूँ पहले मैंने आमर अवतल दर्पण ठीक अच्छे ये अवतल दर्पण भितर पार्शा हूँ पे प्रतिफलन पृष्ठ। अच्छा निजे ये जो अवतल दर्पण गोटे गोटे गोलकर गोटे पार्ट होती कि ना तो से गोलकटा सपोज किसी प्रकार अच्छे से गोलकटा सपोज किसी ये टाइप अच्छे कि गोलकटा पे कम्प्लीट हो तथा मैनेज कर दियो यहाँ हूँ मैंने गोटे गोलक ठीक अच्छे आ से गोलक पाने मनकर केन्द्रबिंदु। ओके तो पाने ये जो कौन आसला जस्ट ए सेकेंड पेन टे चेज करदे हाँ देख एठा पे देख जो ये सरफेस टी आसला यहीटा को पाने कह जाए द्वारक आर ना हूँ कौन द्वारक लिखिदे आ ना हूँ द्वारक एठा जो पाने जो टोपाड़ी आसला ये टोपार ना हूँ कौन ये टोपार ना हूँ पाने वक्रता केन्द्र ना होची वक्रता केन्द्र ठीक अच्छे। ताप देख यो द्वारक पे जो आसला कि आपको कहला द्वारक ये द्वारक पे जो मझीबिंदु आसव द्वारक पे कौन आसव ना जो मझीबिंदु आसव ये मझीबिंदुर ना हूँ आमर पोल जहाँ को मेरु बोली मत कहला बा मेरु बोली मत कहुए ठीक अच्छे। तो वक्रता केन्द्र को पे सी द्वारा लिखा जाए सी बोली आ पोल को पी बोली लिखा जाए सी आ पी को पे जब मुझे जोड़देवी एट कौन आसला सीपी आसला ए सीपी को पे कह वक्रता केन्द्र ए वक्रता व्यासाद कौन कह आपको कह पाने वक्रता व्यासाद कह ठीक आर द्वारा लिखा जाए वक्रता व्यासाद हूँ आर ताप देख सी आ पी मझे पे गोटे बिंदु आसो समान मझे जहाँ को एफ ओल कह एफ्र अर्थ हो पे फोकस एफ्र अर्थ हूँ फोकस सी एफ पी यू पे कह फोकस दूरता यू पे कह फोकस दूरता ठीक अच्छे। तो आई थिंक सब जगह आम पढ़ीदे ना कि हाँ आउट अच्छे पे देखो जो सीपी अच्छे पे सीपी देकर गोटे आम जब मन गोटे गारंटे टाणी है देख यटा को कह पाने प्रमुख अक्ष यटा कह प्रमुख अक्ष व मुख्य अक्ष बोली कह जाए ठीक अच्छे। तो द्वारक पोल बा मेरु यहाँ हूँ पोल बा मेरु आटा है वक्रता केन्द्र आ वक्रता केन्द्र पोल को जो रेखाखंड को कहु वक्रता व्यासा जहाँ आर द्वारा लिखा जाए सीपी रे मझे आसो फोकस एफ पी को कह फोकस दूरता सीपी देखिए जो गारा जाए कह प्रमुख अक्ष ठीक अच्छे। और यठार जो ये जो जो द्वारक है द्वारक हूँ ना दे एम एन बोली पूरा कहला द्वारक बोली कहला ठीक अच्छे। ये पे आलोचना करते प्रीवियस पार्ट रे
ए वीडियो में आलोचना करिबा बर्तुलाकार दर्पण द्वारा प्रतिबिंब गठन किपर हो तो प्रथम आम अवतल दर्पण देखा तापर आम उत्तल दर्पण देखा ठीक अच्छे तो चलो प्रथम अवतल दर्पण आम आलोचना करवा देख ये मुझे बुझाप चेषा कर देख पे अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब गठित हे तार पे मैंने छटा परिस्थिति अच्छी कतट परिस्थिति अच्छी छटी परिस्थिति अच्छी ठीक अच्छे तो मुझे गोटे गोटे परिस्थिति कहीकि अच्छा गोटे गोटे परिस्थिति कह पूर्व तुमको टी देखे दूसरी जहाँ तुम आईडिया हो मैंने कौ कौ विषय में कहवाक चाहूँगी देखिए टेबुलेसन टे देखिद ये देख देखाला अवतल दर्पण में वस्त्र भिन्न भिन्न स्थित प्रतिबिंब गठन देख प्रथम वस्त्र छटा अवस्थिति अच्छे देख एक दुई तीन चार पाँच छ ये वस्तुर स्थिति यहाँ है प्रतिबिंबर स्थिति प्रतिबिंबर आकार वस्त्र आकार तुलना आ प्रतिबिंबर प्रकृति ये जिन बुझाप चेस्टा करवा ठीक अच्छे ना तो यहाँ सी बेले बुझीपार सी हूँ आम फोकण वक्रता केन्द्र एफ हूँ आम फोकस ना कि पी हूँ पोल ए बुझीपार ना तो देख देख पे मुझे गोटे कौन कल ना प्रथम पिस्थित नौ कहली प्रथम पिस्थित प्रथम परिस्थिति कौन थी ना प्रथम परिस्थिति होती जिते वस्तु अनंत दूरता थी कौन कहली जिते वस्तु अनंत दूरतार थी ठीक अच्छे तो ये समय देख कौन हो देख ये पे आम रज टे पेन टे चेज करदे देख यहाँ हूँ आम पे अबद दर्पण यहाँ हूँ आम अबतल दर्पण यहाँ हूँ पे आम प्रमुख अक्ष यहाँ हूँ पी ठीक अच्छे एवं यहाँ हूँ पे सी आईटा हूँ एफओ एटी कहला वस्तु जो अनंत दूरता थी अनंत दूरतार अर्थ हूँ पे वस्त्र को इमित रखा ही मैंने बहुत दूर से थी लगे तो वस्त्र को इमित रखा आर ना देली मुझे ए आउ बी वस्तु बहुत अनंत दूरतार अच्छे तो से समय पे एथर कौन पा आलोक रश्मि हार आस आलोक रश्मि जो आलोक रश्मि पे पढ़व तो आलोक रश्मि पे कौटे जीव से फोकस दे कौट दे पे ना फोकस दे ठीक अच्छे इमित गला तो इमित आसला इमित ही गला से इट आसला कौट जीव ना इमित हो फोकस दे जेकोसी आलोक रश्मि पे से उत्तल हो कि अवतल हो प्रमुख अक्ष सहित कौन कहली मन रख ए प्रमुख अक्ष सहित जब समांतर हो आलोक रश्मि आसो पे सीए सब प्रतिफलित होगापर फोकस देखिए जीव तो ये देख आलोक रश्मि दीदी जहाँ कौन है ना फोकस देगला ठीक अच्छे ना तो वस्तु जो अनंत दूरता थी वस्तु जो अनंत दूरता थी तो तार प्रतिबिंब कौन हम पे सृष्टि ना फोकस सृष्टि हो देख लिखा ये तो प्रतिबिंबर स्थिति आसो फोकसटे आख आशा कहे प्रतिबिंबा वस्त्र आकार हूँ एति तो प्रतिबिंबर आकार के बहुत छोट अच्छे ना तो अत्यंत क्षुद्र सहित आउ गए कथा पे मैंने अबतल दर्पण में सब कौन आसो ना बास्तव आसो कौन आस बास्तव प्रतिबिंब बास्तव उल्टा आसो बास्तव कौन है उल्टा कहीं बास्तव उल्टा है ये दुई नंबर पढ़ला तुम बुझीपार अच्छा पे देख यहाँ पढ़ा पूर्व आउ गए जिन छाड़ी से तुमको बुझे दूसरी देख कौन से छाड़ी देख टे जस्ट सेकेंड कड़ाला से हाँ यहाँ देख पे यहाँ टी छाड़ी ये कहला जे रश्मि चित्र साहय बर्तुल दर्पण द्वारा गठित प्रतिबिंबर परिप्रकाश माने गोटे बर्तुल दर्पण उपर मीन से अबतल हो कि उत्तल होता जो रश्मि पड़ब से रश्मि किपर बंकई जीव सीधा जीव ना टेढ़ा जीव ताकि किसी सूत्र अच्छे से सूत्र आगे आम पढ़देपर से जा देख यहाँ हूँ आम अबतल दर्पण यहाँ हूँ उत्तल दर्पण अबतल दर्पण हो कि उत्तल दर्पण हो जदि रश्मि गुड़िक प्रमुख अक्ष सहित जब समांतर होते समांतर हो यार यहाँ प्रमुख अक्ष हूँ यहाँ यहाँ हूँ गोटे रश्मि जोटा कि प्रमुख अक्ष सहित समांतर होती समांतर होने तो अबतल दर्पण से सीधा हम कौन ना कौन हम ना फोकस देखिए जीव फोकस जोड़ अच्छे से देखिए जीव जदि उत्तल दर्पण हो तो सहीटा तो कौन हम उत्तल दर्पण पे फोकसटा तार डाण पड़ था उत्तल दर्पण फोकसटा कौट था तार डाण पड़ था कि अबतल बाम पड़ था तेणु सी आराम से पड़ेगा कि उत्तल दर्पण जो सी डाण पड़ था तेणु ए दर्पण तो गली तो से जापर कि ये कौन हम ना डाइवर्ट जाइए इमित पड़े कि आपको जो पछुक आम जोड़ा तो आमको लगे से फोकस देखिए गला भाया फोकस दे गला भाया आमको लगे से अबतल दर्पण में बास्तव प्रतिबिंब सृष्टि होती आ उत्तल अबास्तव आभासी प्रतिबिंब सृष्टि होती ठीक अच्छे ना यहाँ है प्रथम
देख द्वितीय कौन अच्छे द्वितीय है जे अबतल दर्पण दे गोटे आलोक रश्मि आसो जी फोकस देक जीव से कौन होता ना प्रमुख अक्ष सहित पारल होता बेल से फोकस दे जाऊला कि कौन हम ना ये रेडा फोकस देकर एक जीव कपर दे ना फोकस देक देख फोकस देगला जी फोकस देक जीव तेज सी कौन हम ना आमर प्रमुख अक्ष सहित सी पारल लेकिन आसो तो देख बुझाने चेस्टा कर गोटे मुझे नहीं जाए जस्ट सेकेंड देख मुझे कहार अर्थ है देख मन कर डेली गोटे अबदल दर्पण नी यहाँ प्रमुख अक्ष एटाला पी एटाला एफओ एटाला सी गोटे रेडा कौन ना एफओ देखिए आसला आपत्ति रश्मि ये तो कौन हम यू बाजला से प्रतिबल देखिए जो जीव से प्रमुख अक्ष सहित पार्ल लेक यहाँ हूँ अबदल दर्पण में जो उत्तल दर्पण क्या चिंता करवा तो देख उत्तल दर्पण नी एटा है प्रमुख अक्ष एटाला पी एटाला एफओ एटाला सी एटी जैसे आलोक रश्मि एमती आसो पे ये कौन हम सरी ये तो मैं प्रथम पढ़ दी द्वितीय आम देखु पूरा ये कौन हम आलोक रश्मि पे एमती आसव इमि रोड रेड आस पे इमि रोड रेड आस उत्तल दर्पण में सत्य जमी लगुव जो ये सरफेसा न था बेले से एफ दे जाता कि जो सरफेसा रहा जो सी तो गली जापरि कितु लगुच एपटे गला भाया तो ये कौन हम एपटे इमें आसव मीन से प्रमुख अक्ष सहित ये मतलब सामान रहीकि गला ठीक अच्छे ना यहाँ आमर द्वितीय पिस्थित तृतीय पिस्थित हूँ देख कौन देख यहाँ तृतीय पिस्थित अबदल दर्पण अच्छी प्रमुख अक्ष अच्छी गोटे रेड आम सी देखिए पलि आसला मीनस आमर जो वक्रता केन्द्र अच्छी से वक्रता केन्द्र दे आसला जब वक्रता केन्द्र देखिए पे आस गए रेडा आ प्रतिफलित हम दर्पण सहित तो सही बाटा का पलब तो प्रमुख अक्ष देखिए मानने वक्रता केन्द्र दे आसे से वक्रता केन्द्र दे पल से अबतल हो मैंने से उत्तल अबतल दर्पण हो जो उत्तल दर्पण हो तो ये सी सीधा एपट अच्छी एपट जब रेडा भी आसला अवश्य दर्पण सीना से क्रस कर कितु लगुचे आमको सीपटे गला भाया बुझीपार तो ये बाजला मतलब सेम पड़े जदि सी देखिए आसो सी देखिए जीव एफ देखिए आइए प्रमुख अक्ष सहित सामांतर हम प्रमुख अक्ष सहित सामांतर हेल्ले एफ देखिए जीव ठीक अच्छे नेक्स्ट आसला आम लास्ट गोटे अच्छी देख यहाँ अबदल दर्पण प्रमुख अक्ष गोटे रेड आसला से पोल को आस बाजला पी को आसिक बाजला जब पी को आस बाजला पे मैंने ये जी कौन सृष्टि हम से कौन सृष्टि करके पल कौन कहल जदि पोल को आस बाज तो ये प्रमुख अक्ष आउ जो रश्मिटा अच्छी भितर जो कौन सृष्टि होती कौन एपटे सृष्टि कर पलब दीड जा अबतल हो कि उत्तल हो ठीक बुझिपाल ठीक अरे बुझिपाल कि ना बास ए देखिए आम टेबुलेसन देख टेबुलेसन हाँ देख तो आम अनंत दूरत कौन होगा आलोचना करदे बर्तमान देखिए आम जस्ट सेकेंड हाँ तो अनंत दूरता सरला ए देखिए आम से द्वितीय परिस्थिति द्वितीय परिस्थिति कौन द्वितीय परिस्थिति हूँ पे सी ठार दूरे थे तो लिखिद सी ठार दूरे थे यार अर्थ कौन देख अबदल दर्पण अच्छी प्रमुख अक्ष अच्छी यहाँ हूँ पी एटा हूँ एफ यहाँ हूँ सी सी कहला वस्तुटा सी ठार दूर मीन वस्तुटा पे सी रचपट अच्छे देख वस्तु सी रचपट पचपट जो अच्छी तो देख कम हम देख आ नाम ए बी देदेली ये गोटे रेड पे गला एम दर्पण बाजिला एवं आम देखी जे जदि प्रमुख अक्ष सहित सामांतर हो आउ दर्पण जब बाज सी एफ देखिए पलब तो एफ देखिए पलरा ठीक अच्छे एफ देखिए पला कि ना एफ देखिए पला तापर कौन करवा ना देख ये आउ रश्मि पे मैंने सी देखिए छाड़ता तो सी देखिए गले कौन हम ना सी देखिए आउे से पल आस ना कि देख ये रश्मिटा एमती आसला ये रश्मिटा एमती पला तो दीजा कौटे मिसले एटी मिसले बर्तन यू आम कौन कर प्रमुख अक्ष सहित गोटे लंब टाने दे यहाँ हूँ पे प्रतिभ यहाँ हूँ वस्तु यहाँ हूँ वस्तु यहाँ हूँ पे प्रतिबिंब बुझिपाल ना ए प्रतिबिंबा उल्टा आसा ना उल्टा आसपाला पूर्वटा जिन आसा पूर्वटा तो एफ उपर आसला जो टोपा होकर
किंतु सेटा जदि आम एम जूम कर देखा बोले किसी प्रकार ही देखा जाए। तो यहाँ देख वस्तु जो सी ठारू दूरे रोचे सी ठार मैंने सी रछ रोच सी ठार दूरे रोचे तो प्रतिमाटा कौट आसना एफ आउ सी मझे आसा ना एफ सी मझे आज ओल्टा होगा लिखाई थी तो सी ठार दूरे थे प्रतिम्ब एफ आउ सी मझे आसो एफ आउ सी मझे आसिया ना एफ आउ सी बा फोकस आउ वक्रता केन्द्र मझे आसो क्षुद्र रहा ना देख आर आकार देख के आर आकार के तो छोट आस नेक्स्ट आसला बास्तव ओल्टा रही ना कि वस्तु देख प्रतिम्ब जदि दर्पणर वामपटा हो सब बास्तव आउ प्रतिम्ब जदि बास्तव होगा 100% ओल्टा हे सब दर्पण पर मिलाना से मैं आम समतल हो कि आम उत्तल हो कि अबतल हो अवश्य बास्तव प्रतिम्ब केवल अबतल दर्पण आगे संभव अनेक दर्पण ना आ बास्तव प्रतिम्ब है मीनस से सब ओल्टा आगे रही है ठीक अच्छे तो सीठा दूर रहा नेक्स्ट आम देखा आम नेक्स्ट कंडीशन देखा नेक्स्ट कंडीशन हो कौन ना सी ठारे रही जो सी ठार रही है तो देख तीन नंबर स्थित हो सी रे ठीक अच्छे ना सी ऊपर रही है तो देख अबदल रोपण गार टाणी एटाला पी एटा एफ एटाला सी मान सी उपर वस्तुटा अच्छे सी उपर मन वस्तु अच्छे तो कौन हम देख आलोशमी जीव प्रमुख अक्ष सहित सामांतर हो गला तो एफ उपर पड़ी पड़े आस ओके देख कौन हम तापर जब फोकस देखी जीव कौन देखी जीव देख फोकस देखिए जब छाड़ा बाजला कौन हम से प्रमुख अक्ष सहित पार्लर ही पड़े आसो ना ना टिके पे भूल ये पे मैंने टिके मेजरमेंट भूल जाइए मुझे एगेन करदे भूल आउ थे देख दर्पण नी ओके तो देख ये मन तार सी है सामने एफ है तार पी है यह वस्तुटा अच्छी बर्तना ए भी देदेली ए गोटे सामांतर गोटे गारे गला जो एफ देखिए आ थे जस्ट से अप्लाई आसला आलोक रश्मि एफ दे गला रश्मि कौन है एफ देकर गला टिके रुला पे स्केल रख गार टाणी बुझे कि ना विचार हम मीट आसला तथा भूल है पे देख टेढ़ा होगा टी अरे यार ये जगह पे एक्चुअली मेजरमेंट नहीं कराया कथ हाउ इति आसला तापर कौन ये सामांतर ही पड़े नहीं कि प्रमुख अक्ष सहित सामांतर ही पड़े देख ये आसला तो जो ये जो बिंदु छेद आपको आम लंब टाणिया तो ये प्रकार आसो ये एडेस तो देख वस्तु जो सी उपर रार प्रथम मत पे से सी उपर ही आसो से लिखा है सी ठार रही तार प्रतिम्ब सी ठार रही है सामान आकार हम एटार पे कौन हम टे मेजरमेंट टे भूल जा कितु आकार कौन से मैं आर आकार जी आर आकार मत से ओके आ बास्तव उल्टा रही है जेहतु वामपटे प्रतिम्बा आसो बास्तव आसो आस्तव है मीच उल्टा आसो है देखिए फोर परिस्थित सी आउ एफ भितर जो वस्तु रही है सी आउ एफ मझे जो वस्तु रही है तो देख कौन हम चार नंबर परिस्थित हो सी ओ एफ मझे रही ठीक अच्छे तो देख ये अबतल दर्पण यहाँ प्रमुख अक्ष एटा पी एफ एटा सी वस्तु सी आउ एफ मझे रही मीन ये रस्तु वस्तु ये अच्छी देख आलोक से पड़ला तो कौन होना से एफ देखी जीव एफ देखी पड़ला ओके तापर पे मैंने आउ आलो रश्मि कौन हम ना आउ आलो रश्मि पे एफ दे छाड़देव ठीक अच्छे ना तो देख सी कौन हम टेढ़ा है टेढ़ा हवा कथा ना
अरे यार बोले रहा। मतलब रखो ना अभी टिक्की पूरे ला एक्चुअली बना मैं पहले मना प्रत्येक बड़ा सिरो पछो बड़ा से लगे सिरो को बड़ा से पछो बड़ा से तो मैं सिरो पछो बड़ा ला लेने यूज ठीक है तो वस्तु जदि पे सी आउ एफ मझे रही है तो प्रतिमा सीर पछप रिंद खाटी देला वस्तु जदि सी आउ एफ मझे रही है तो प्रतिमार अवस्थित पे सी पर बोले सी पछपट हे आ सी पछपट जो पड़ा पे तो कौन हम ना ये वस्तुर आकार जो प्रतिमार आकार वस्तुर आकार ठार बड़ तो देख लेखलाटे पर मीनस बड़ा आउ प्रतिमा कौन उल्टा होल्टा मीनस बास्तव एटा तो बास्तव आउ उल्टा ठीक अच्छे ना नेक्स्ट देख फिफ्थ परिस्थिति फिफ्थ परिस्थिति को कौन लिखी एटे जिते वस्तु एफ एफ उपर रही है जिते वस्तु एफ उपर रही है तो देख एफ सी पी वस्तु जो पे एफ उपर रखी तो कौन हम देख ये आल रश्मि गला सी एफ देखिए जीव ठीक अच्छे ना आगे आल रश्मि पे आसला पी उपर पड़ा तो ये जी कौन सृष्टि कर सृष्टि कर सी कौन सृष्टि कर पल देख पे प्राय मिसुना कि मिसबे मैंने अनंत दूरत मिसबे जमीन देख ये थी बस जो अनंत दूरत रोला एम फोकस एफ उपर आसाला जदि वस्तु एफ उपर रही है तो यमर प्रतिम्ब अनंत दूरत रनंत दूरत रहा मीनस पे तार प्रतिम्बा बहुत बड़ आस बड़ आसो आहेतु प्रतिम्बा बामपट रोच तेणु यहाँ वास्तव उल्टा आसो वास्तव उल्टा रोके आसला पी आओ एफ भर रही नेक्स्ट जामें पी आओ एफ छ नंबर हो पाने पी ओ एफ मजे रही तो देख यहाँ पी एफ यहाँ हूँ सी बस जो पे पी आओ एफ मझे रही है मीनस ये रो तो देख आलो केम पड़ा एफ उप दे गला ओके तार आउट आलो रश्मि कौन करना पी उपर जीव एम आस अच्छा कहले पे दीटा रे के मिसिए कि मत मिसिए ना एका जदि आगे पछु पे जो बढ़ेगा तो आमको दर्पण पछपटे मैंने मिसला भाई देखा ना कि तो ये पे वस्तु मिसला भाया देखा तो जेहतु ये पे प्रतिमा डाहाण पट आसा आ सीधा आसा मीन से अबास्तव तो पी एफ मजे रही दर्पण पछपटे प्रतिमा सृष्टि हम बड़ी सृष्टि हे आज दर्पण पछपटे मीन से आभासी आड़क आभासी आड़क बुझिपाल ना पे बहुत बढ़िया तो पे देख ए प्रकार आम अबतल दर्पण को प्रकार आमर प्रतिम्ब सृष्टि होक आम बुझीपारे डिटेल्स देखीदे देख सर्टकट्रे कि नुआ जिन ना पे देख आशा कर समस्ते भलसे बुझीपार देख जदि वस्तु अनंत दूरता रोच तो प्रतिम्ब सब फोकस आसोकस आसला मीनस सी सब छोट रास्त बोल्टा रही सी ठार रहा कौन रहा जदि सी ठार रही देख जदि वस्तु जस्ट सेकेंड हाँ बस जो पे मैंने सी उपर रही सी उपर कही तो ना सी ठार दूर कही हाँ देख सी ठार जो दूर रही है देख ये कौन है ना सी ठार दूर मीन सी ठार पछ रही सी रछ रही जदि सी रछ रतिम सब सी एफ मजे आसला कौन है जदि सी उपर रदि पे सी उपर र तो प्रतिमा मध्य से सी उपर एक रही कि सी उपर रही सामान आकार हम वास्तव उल्टा हम देख पे ये पांचटी जगह परिस्थिति में वास्तव उल्टा वास्तव उल्टा वास्तव उल्टा वास्तव उल्टा वास्तव उल्टा केवल ये गोटे क्षेत्र में एक यहाँ हूँ अभास मैंने अभासी आड़क हो
बुझिपाल ना बाकी पांच जगह प्रतिमर प्रकृति सामान अटे सी एफ भितर रे सी एफ भितर रहा देख सी एफ भितर जो वस्तु रोच तो प्रतिमटा सी रचपट आस पचपट आस कि परिवर्धित आका से बड़ आका आच्छा बड़ पाने के आसे वस्तुटा सी क्रस करदे हेल्ला कि सी जिते से क्रस करदे से वस्तु आकार बढ़ी बढ़ी जाऊँच कि सी ठारे रे सामान रोच सी ठा दूरे रे प्रतिमटा सब साना होफ उपर रे देख अनंत दूरता रे तार प्रतिमा फोकस उपर हो एफ उपर रही है प्रतिमा अनंत दूरता आसो आ बास्तव उल्टा रही है देख सी ठार दूरे रे एफ सी भितर आफ सी भितर रे सी ठार आई कि आरे बुझिपाल कि ना देख वस्तु जदि सी ठारे मानने सी रे जदि रोच तार प्रतिम्ब होफ आउ सी मझे बोले फोकस आउ वक्रता केन्द्र मझे हो कि वक्रता केन्द्र एफ मझे जदि वस्तु रोह तो ओबियसली तार यहाँ कौन हम सी आसो मीन यू यहाँ यहाँ को यहाँ नहीं कि यहाँ को यहाँ को यहाँ है सी देख सीमें पे अनंत दूरता को यहाँ अनंत दूरता एफ को यहाँ उल्टा अल्टरनेटिव आ सहित ये सॉरी देख आ सहित ये आ सहित ये सी रे सामान रो आमर पीएफ भितर रे दर्पण पचपटे पल आस बुझिपाल ना तो मोटामोट रूप कह अर्थ होने मोटामोट रूप कह अर्थ हो जे अवतल दर्पण पाने प्रमुख अक्ष पखापाखी वस्तु जिते आसव प्रमुख अक्ष सरी दर्पण पखापाखी प्रमुख अक्ष उपर दर्पण पखापाखी वस्तु जिते आसव प्रतिम पे से दूरे दूरे जीव ठीक अच्छे ना एफ सी एट पी जदि सी रे अनंत दूरता जब रोच प्रतिम्ब सब एफ उपर सी रचपट रोच तो सी एफ मझे रोक देख प्रथम एफ उपर थी जी वस्तुटा सी रचपट आईला प्रतिमटा एड़ी पलैला एड़ी आसो जदि सी उपर आसला तो प्रतिम्ब सी तले आसव आकार सामान रि वस्तु जब सी एफ मझे रहा तो प्रतिमटा सी रचकान रि वस्तु जब एफ उपर रहा से अनंत दूरता रही अच्छे अनंत दूरता री एफ मझे रहा वस्तु मिसोनि एपटे मिसो आपट रहा मीन सब आभासी आ सीधा रड़क रीक अच्छे ना तो पे प्रकार आम यही पार्ट्रे अवतल दर्पण जो भी किसी प्रतिम्ब सृष्टि होती आम डिस्कस करदे यार परवर्ती पार्ट्रे पे उत्तल दर्पण द्वारा कि कौ प्रकार प्रतिम्ब सृष्टि होती आम आलोचना करवा ठीक अच्छे तो क्लास टी पे कि लगेगा निहतर समस्त कमेंट सेक्शन कमेंट्स कर भल लगी निहतर गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ठीक अच्छे तो चलो वीडियो को टेंड करवा समस्त थैंक यू सो मच।